आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल के पकोड़े। ये छिलके वाली मूंग है, मैंने इसे 4 घंटे पहले पानी में भिगो के रख लिया था और इसे ग्राइंड करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसे दरदरा पीसना है और ध्यान रखें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है पीसते वक्त। इसके लिए मैंने लिया है हरे प्याज के पत्ते, धनिया पत्ते, हरी मिर्ची और एक आलू, इसको मैंने छोटे छोटे कट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची, आलू, धनिया पत्ती। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए इसे गाढ़ा रखना है, पतला नहीं करना है। तेल गरम हो चुका है, अब यहाँ पर हम छोटी छोटी इस तरह बड़ी की तरह डालेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। इसके बाद हम इसे हल्के हाथों से पलट देंगे। पलट पलट के इसे फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया है, पकौड़े तैयार हैं। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के पकौड़े भी डाल लेंगे। ये हमारे बाकी के पकौड़े भी तल गए हैं, इसे भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए पकौड़े बन चुके हैं, कितना क्रंची बना हुआ है। आप टोमेटो केचप या किसी भी हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस मूंग दाल के कुरकुरे पकौड़े की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी।